अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू और वेलकम बैक टू अशर सना व्लॉग्स। भाई आज है जुम्मे का खूबसूरत दिन, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। वो देखो सामने क्लॉक टावर है, हमारा होटल इसी गली के अंदर है पीछे। आज हमारा जुम्मा जो है पहला जुम्मा है मक्का में, माशाल्लाह करने के बाद हमारा पहला जुम्मा है तो बहुत स्पेशल है। और हम लोग अब जुम्मे की नमाज पढ़ने निकल गए हैं, 11:30 बज रहे हैं और 1 घंटा अभी है नमाज में, तो अभी वॉक करते हुए जा रहे हैं। अल्लाह करे कि इंशाल्लाह जगह अच्छी से मिल जाए अंदर मस्जिद के, देखते हैं। क्योंकि काफी लोगों ने कहा था कि यार सुबह 9 बजे जाओगे तो अंदर जगह मिलेगी, 10 बजे जाओगे तो अंदर जगह मिलेगी, बट इस वक्त 11:30 बज रहे हैं तो देखते हैं। काफ़ी पब्लिक जा रही है, देखो यहाँ पे हज़ारों लाखों लोग जो है वो यहाँ पे जा रहे हैं और जो है वो देखते हैं कि अंदर क्या रहता है क्या नहीं रहता, जगह मिलती है नहीं मिलती, जो लोगों ने कहा था वो सही होता है या नहीं होता। क्योंकि ये उम्रे का जो ट्रैवल होता है, आपको पता है ये रिलीजियस ट्रैवल होता है, तो टूरिज़्म उस तरह नहीं होता, ये रिलीजियस टूरिज़्म होता है। बाहर की दुनिया से क्या मल्टीकल्चरलिज्म होता है यहाँ पे, बाहर की दुनिया से हर मुल्क से, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, मलेशिया, म्यांमार, सीरिया, ईरान, इराक, पता नहीं कहाँ कहाँ से मुसलमान माशाल्लाह माशाल्लाह से आए हुए होते हैं। और ये तमाम मुसलमान ही होते हैं क्योंकि इस जगह पे, पाक जगह पे सिर्फ जो है वो मुसलमानों का ही एक्सेस है, वही आ सकते हैं, उनके अलावा कोई नहीं नॉन मुस्लिम यहाँ पे आ सकता। कैनेडियंस भी आए हुए होते हैं भाई हमारे होटल में, कैनेडियन फैमिली भी आएंगे, पाकिस्तानी, तो माशाल्लाह माशाल्लाह अलग अलग मुल्कों से जैसे हम भी आए हैं। हाँ एग्जैक्ट, तो कैनेडियंस ये होता है कि माशाल्लाह से बड़ी जिंदा दिल कौम है, खुश रहने वाली कौम है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें बड़ा फ़ख्र होता है कि जो है वो हम लोग कैनेडा की हमें पीआर मिली, अल्लाह ताला ने हमारी बड़ी जो है वो आसानियाँ की और बड़ा अच्छा लगता है। काफ़ी लोगों के मैसेजेस भी आते हैं और वो क्या कहते हैं अपने बारे में, इस बारे में भाई लोग बोलते हैं कि हम लोगों के लिए दुआ करें कि वीज़ा अप्रूव हो जाए, परमानेंट रेजिडेंसी हो जाए, स्टडी परमिट का वीज़ा अप्रूव हो जाए या फिर कनाडा की सेटलमेंट हो जाए, तो उन सब के लिए भी हमने बहुत ख़ास दुआ मांगी क्योंकि हम भी उस फेज से गुजर चुके हैं। और हम भी लोगों से बोला करते थे कि भाई खाने का बाज आ रहे हो तो हमारे लिए दुआ करना, तो अब हम लोगों का वो वक्त है कि हम दूसरों के लिए करें और हमारा वो वक्त भी है कि हम अल्लाह का शुक्र अदा करें, तो इसलिए हम अल्लाह का शुक्र अदा करने ऑल द वे आए थे। अब हम जुम्मे की नमाज। और अगर सच पूछो तो हमारी जो पाकिस्तान जाने की नीयत थी या वो थी, वो उससे हमने 8 महीने से पहले ही जो है वो ये सोच लिया था कि हमें इस टाइम पे उमरा करना होगा, प्लानिंग थी बस। बाकी तो ये बुलावा अल्लाह का होता है, हम लोग जो है वो तो मेहमान अल्लाह के हैं, हमारी तो कोई मजाल नहीं है या कोई हमारी औकात नहीं है कि हम जो है वो यहाँ पे खुद ब खुद किसी भी वक्त उठ के आ जाए, ऐसा नहीं होता। ये तो अल्लाह का घर है, अल्लाह का बुलावा होगा, तो बस हमारी यही नीयत थी। खाने काबा को देख के जो है वो आप लोगों ने जितनी भी दुआएं बोली थी हमने वो करते रहते हैं रोज़ाना। कितने लोग देखो यहाँ पे जुम्मे की नमाज़ के लिए माशाल्लाह माशाल्लाह से पहले से ही बैठे हुए, क्योंकि छाँव है ना यहाँ पे तो गर्मी के अंदर प्रॉब्लम ना, बाकी लोग अंदर जाने की कोशिश में इंक्लूडिंग हमारे, तो हम भी अंदर जाएंगे इंशाल्लाह। वो है खाने काबा, ये क्लॉक टावर का है और आगे जो है वो सारा रास्ता है, ये रास्ता खुला हुआ होता है नॉर्मली, वो जो आप देख रहे हो रेड रेड जो है वो बैरिकेड इन्होंने लगाए हुए, बट ये कि इन्होंने अभी जुम्मे की नमाज़ के लिए, क्योंकि माशाल्लाह माशाल्लाह इतना हैवी क्राउड होता है, उसको मैनेज करने के लिए तरीके से ताकि प्रॉब्लम्स ना हो, कोई धक्कम पेली ना हो, कोई वो ना हो, तो ये सब चीज़ें इन्होंने लगा के बंद कर देते हैं। नहीं तो नॉर्मली ये रास्ता आराम से खुला होता है, यहीं से अंदर जाते हैं। अब हम यहाँ से अंदर जाएंगे, आई थिंक वहाँ से भी काफ़ी चीज़ें बंद की हुई हैं, अब वहाँ से हम अंदर जाएंगे। आई थिंक हिम्मत है, हमारे तीनों बच्चे निकले हुए हैं और धूप में गर्मी में, और बच्चे को तो छोटे वाले को तो जो 4 महीने का है उसको तो हमने प्रैम में रखा हुआ है और पूरी तैयारी करके उसके लिए निकलते हैं सामान रख के, ताकि 2-3 घंटे अभी अच्छे गुजर जाए उसके साथ। लेकिन जो बड़े बच्चे हैं पानी में निकले हैं और बहुत हिम्मत की बात है बच्चों के लिए कि वो हमारी और अल्लाह की खातिर ये एक्टिविटी पूरी कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जो उम्रे की इम्पोर्टेंस है या जो रिलीजियस हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं तो उसका तो हमें ही जो है वो इम्पोर्टेंस पता होती है, बच्चों को इतनी नहीं पता होती। बच्चे आपके साथ हाथ बटा रहे होते हैं और आप बच्चों को बता रहे होते, सिखा रहे होते। हमारे पास ये भी ऑप्शन था कि हम अपने बच्चों को छोड़ के जो है वो आ जाते पाकिस्तान, हमने कहा नहीं, हम चांस लेंगे और इंशाल्लाह उनको कोशिश करेंगे कि उनको भी सीखने का मौका मिल सके। आगे रश बहुत आ गया, इंशाल्लाह फिर बाद में बात होगी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि हमें ये मौका मिल पाया कि हम ऐसी मुकद्दस जो हमारी होली मॉस्क है माशाल्लाह माशाल्लाह खाने काबा मस्जिद अल हराम, वहाँ पे हम लोग जुम्मे की नमाज़ अदा कर सकें अपनी ज़िंदगी के अंदर, हाथ पैर सलामती के अंदर, कोई माजूरी नहीं है, कुछ नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करें वो बहुत ही कम होगा, अल्लाह का शुक्र है। ऐसा लगता है कि हमें मतलब
जो है वो दुआएं मांगते हैं, तो और लोगों के लिए भी मांगते हैं, अपने घर वालों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, दोस्तों के लिए, आप जैसे सब्सक्राइबर्स जो दुआओं के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। हमें तो ऐसा लगता है कि यार अल्लाह ताला जो है वो हमें बहुत ही सब कुछ ही दे दिया, मतलब ऐसा लगता नहीं है कि यार अल्लाह से क्या मांगना है, क्योंकि ये तो घर गाड़ियाँ ये तो सब वक्ती चीज़ें होती हैं, दुनियावी चीज़ें होती हैं, ये तो यहीं रह जाएंगी सब चीज़ें। आपके साथ जाएगा तो सिर्फ आपके आमाल, जो हमारा अपना मुसलमानों का माशाअल्लाह सुबहानअल्लाह पैदा होता है, उसी वजह से लोग सब यहाँ पर मौजूद हैं, सुबहानअल्लाह। गाइस हमें अंदर जगह मिल गई है, हम लोग दरवाज़ा नंबर 103 से अंदर घुसे, काफ़ी लंबी पैदल चलना पड़ा, मतलब वॉक हुई, मगर ये है कि हमें अल्हम्दुलिल्लाह अंदर जगह मिल गई। हम लोग 11:30 बजे निकले थे और 12 बजे हम लोग, आधा घंटा हमें लगा, हम लोग अंदर आराम से आ गए। तो आप लोग भी आ सकते हो, थोड़ी जद्दोजहद करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है कि 9 बजे आओ तो ही अंदर जगह मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब हाँ होता है तो अगर करीब जाओ, मगर ये कि अगर आप देर में भी आओगे थोड़ी बहुत तो आपको चलना पड़ेगा, मगर आपको जगह मिल जाएगी। माशाअल्लाह से मस्जिद को देखो यार, क्या ज़बरदस्त एक्सपेंड करते जा रहे हैं, एक्सपेंशन पे एक्सपेंशन बन कर रहे हैं इसके, क्योंकि जो है वो यहाँ पे लाखों नमाजी माशाल्लाह माशाल्लाह से आते हैं, तो उनके लिए जगह बन सके। सो गाइस हमने अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अपनी पहली जुम्मे की नमाज फर्स्ट टाइम इन लाइफ होली मॉस्क जो है वो जो मस्जिदुल हराम है मतलब खाने काबा में, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पूरी फैमिली ने बहुत आसानी के साथ अंदर जो है वो आके पहली जुम्मे की नमाज़ पढ़ ली है। और मतलब क्या जुम्मे की नमाज़ थी यार, मज़ा आ गया, ईमान की जो ताज़गी होती है वो दुबाला हो जाती है और एक अलग ही जोश और जज्बा होता है। सारे लोगों को देख देख के आप गर्मी के अंदर शदीद चल रहे होते हैं, हाँ ह्यूमिडिटी बहुत कम होती है एज़ कम्पेयर टू अगर मैं UAE की बात करूँ, मगर यहाँ पर ह्यूमिडिटी कम होती है, मगर जो खुश्क जो वो होती है ड्राई समझ लो वेदर है, और यहाँ पर गर्मी ठीक ठाक है, ऐसा नहीं है कि गर्मी नहीं है। तो गर्मी के अंदर हमने माशाल्लाह माशाल्लाह से देखो बच्चों के साथ जो है वो जब कर लिया है, तो आप लोग भी हिम्मत अगर करना चाहो ज़िंदगी के अंदर बच्चों के साथ ज़रूर करना, अगर जेब इजाज़त देती हो, वक्त और हालात इजाज़त देते हो, तो ज़िंदगी में ये मत सोचना बच्चों को यहाँ छोड़ देते हैं वहाँ छोड़ देते हैं, उनको ये एक्सपीरियंस ज़रूर कराना, क्योंकि जो है वो उनको शायद कहीं ना कहीं उस चीज़ का अंदाज़ा हो, वो चीज़ मेमोरीज़ उनके दिमाग में हमेशा के लिए बस जाएँ। हमारे माँ बाप हमें बचपन में वहाँ लेके गए थे, हमने ये किया था हमने वो किया था, दोबारा जब वो बड़े होंगे तो उनके अंदर जाने का शायद जज्बा डबल हो जाए कि यार हाँ हमने ये किया था हम जब बचपन में आए थे छोटे थे, या अगर कभी ज़िंदगी शायद मौका ना दे तो एटलीस्ट तुम जो है वो अपने बच्चों को वो या बीवी को वो चीज़ करवा चुके होगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग भी मिलेंगे जो ये शायद सोचेंगे कि हम सिंगल करके आ जाते हैं बीवी बच्चों को अहमियत नहीं देंगे, मगर जितना आपका फ़र्ज़ है उतना ही आपकी बीवी बच्चों का भी जो है ना वो फ़र्ज़ है। उम्रा करना मतलब उम्रा करना फ़र्ज़ नहीं है, मगर हज करना या खाने काबा को आगे देखना, ये सब चीज़ें आप जो एक्सपीरियंस खुद करते हो, कोशिश करो अपने बीवी बच्चों को भी अपने साथ ज़िंदगी का हिस्सा बनाओ और उनको भी एक्सपीरियंस कराओ। और दोस्तों गर्मी की तो बात अपनी जगह आप लोग टहल के आ रहे होते हो, लेकिन जैसे ही आप मस्जिद के अंदर एंटर होते हो ना, इतनी प्यारी ठंडक लगती है कि आपको पता ही चलेगा कि आप इतनी गर्मी खा के आए हो अंदर। अंदर माशाल्लाह बहुत अच्छी एसी चल रहे होते हैं, बहुत अच्छा इंतज़ाम है और कोई मसला नहीं होता नमाज पढ़ने में, बच्चे भी एकदम चिल हो जाते हैं। तो अंदर मस्जिद के आने के बाद आप लोग वाकई बहुत सुकून महसूस करोगे। तो अली हमारा 4 महीने का है और बाकी 5 साल का एक बेटा है और 10 साल का, तो माशाल्लाह 5 और 10 साल के तो बच्चे फिर भी कंट्रोल हो जाते हैं,
लेकिन अली जैसे छोटा है 4 महीने का, तो उसकी बस यही मैं रखती हूँ प्रिकॉशन हमेशा कि नमाजों के टाइम से पहले पहले मैं हमेशा उसका पेट भर लेती हूँ, उसको जो भी दूध वगैरह देना होता है, ताकि वो नमाज के टाइम पे परेशान ना करे, बच्चा परेशान ना हो उस टाइम पे, क्योंकि उसका डिस्ट्रैक्शन होती है, तो फिर जमात से नमाज आपको तोड़नी पड़ जाए ना करे या बच्चा परेशान हो रहा हो, तो इसलिए उसका जो है पेट भरना, उसकी नैपी वगैरह साफ़ कर लेना, ताकि वो सुकून से प्रैम में बैठा रहे। मैं हर जगह प्रैम कैरी करती हूँ, प्रैम को हम लेके जाते हैं ज़रूर, और प्रैम के नीचे ही डायपर बैग इसका रख लेते हैं, जिस डायपर बैग में जो है वो इसका सिरेल है, इसके खाना पीना, दूध, नैपीज, जितना भी जो चीज़ें हैं उसकी ज़रूरत की वो हम डाल देते हैं उसके अंदर, और प्रैम को ही मैं अंदर इस तरह के अहाते बने हुए होते हैं लड़कियों के, औरतों के, तो ऐसी जगह पे अंदर जो है वो हम जाते हैं, और जो मुझे पहली जगह मिलती है खाली जिसमें प्रैम और मैं दोनों फिट हो सकें, तो फिर वहाँ पे जानमाज बिछाई और शुरू कर दी, बस एज लॉन्ग एज आप इसके अंदर पहुँच जाओ, दैट्स इट। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कभी भी परेशानी नहीं हुई जगह पाने में, और हम लोग फिर उसके बाद मैं और अशर, तो अलग अलग सारे मर्दों औरतों का होता है, तो अशर अपने मर्दों की तरफ चले जाते हैं, और हम लोग एक डेजिग्नेटेड गेट नंबर देख लेते हैं कि हमें किस गेट पर मिलना है, वहीं पे मैं बाहर आती हूँ और अशर भी इस तरफ आते हैं, और फिर हम इजीली मिल लेते हैं, मतलब अभी तक मेरे पास मोबाइल फ़ोन नहीं है, सिम नहीं है, मोबाइल फ़ोन है बट सिम नहीं है, तो इसलिए अगर हमें कांटेक्ट करने की किसी को ज़रूरत नहीं पड़ी, अल्हम्दुलिल्लाह इजीली मिल जाते हैं। और यहाँ पे इतनी आज़ादी है गाइस, यहाँ पे आप जो है वो किसी भी कोने को लेके अपनी फैमिली के साथ बैठ जाओ, आराम से थोड़ी देर के लिए कुरान पढ़ो, और अगर नमाज़ें पढ़नी है तो वो भी पढ़ सकते हैं, नफिल वगैरह अदा करने हैं, और वैसे जो फर्स्ट नमाज़ें उनके लिए तो इस तरह के अहाते बने हुए वहीं पे करनी होती है, बाकी ये कि अपने चिल करें, खाएं पिए थोड़ा बहुत, यहाँ पे अंदर खाने पीने की ज़्यादा इजाज़त नहीं है, तो ये कि बच्चे को तो मतलब खिलाना ज़रूरी होता है, उसके बाद फिर आप बाहर जाके खा सकते हैं। हाँ भाई अन साहब, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? मेरा एक्सपीरियंस बड़ा थोड़ा सा टायरिंग एक्सपीरियंस रहा है, मगर जब वापस होटल पहुँचूंगा तो फिर पता नहीं कोई अजीब सा सुकून मिल जाता है होटल जाके, तो मगर जो है वो जब तुमने खाने काबा के सामने नमाज पढ़ी तो तुम्हें मतलब कैसा फील हुआ? उस टाइम पे तो हालत ही खराब हो रही थी, पता नहीं, मगर मजा आया खाने काबा को देख के, मजा तो बहुत आया था। मैं उसके सामने नमाज पढ़ा हूं, जिस पे तुम जो है वो ऑस्ट्रेलिया में रहते थे, कनाडा में रहते थे, पाकिस्तान में रहते थे, तुम जो है वो क़िबले को देखते थे कि यार किस तरफ रुख है, और सोचो एक टाइम पे तुम्हारे सामने वो जो है ना क़िबला है, कहीं पे भी तुम नमाज पढ़ो चारों तरफ में तुम सामने तुम्हारे, तो तुम्हें कैसा लगा वो? तुम्हें देखना नहीं है, मुझे मोबाइल देखने की जरूरत नहीं है कि इधर क़िबला है उधर क़िबला है, मेरे सामने है। और क्या से और हम और मैं ऑस्ट्रेलिया का मिस्टी किया, कनाडा का मिस्टी की, और पाकिस्तान को, अरे यार ये खसूसियत पाकिस्तानियों के लिए आपको जो है वो बड़ी ज़बरदस्त लगेगी, यूनिक लगेगी, मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा किसी बाहर के मुल्क में देखी है वो चीज़, और वो ये कि उर्दू में हर जगह लिखा हुआ है नमाज की जगह औरतों के लिए, वुमेंस प्रेयर एरिया मुसल्ली लिलनिसा, एक अरेबिक में लिखा होता है इंग्लिश में और एक उर्दू में, तो पाकिस्तानियों के लिए बेस्ट है, क्योंकि बहुत सारे पाकिस्तानी को इंग्लिश या अरबी समझ ही नहीं आएगी। बहुत मैसिव है यार, माशाल्लाह इतना बड़ा है, बहुत मैसिव है माशाल्लाह ये ब्रिज है ना, मतलब ऐसी मस्जिद हमें जिंदगी में कहीं देखने को नहीं मिलेगी। दियो हैकल जिसको कहते हैं ना हमारे, उसमें जो है वो दियो हैकल मस्जिद है, वाकई में अपने अंदर पूरी दुनिया को संभाले, मिलियंस ऑफ लोग यहाँ पे आते हैं, 30-40 लाख लोग हर साल हज करने आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और कोई वो नहीं होता मस्जिद में, क्या जगह है। तो भाई अभी ये गेट की थोड़ी कंफ्यूजन हो गई थी, तो गेट्स हम लोग पूछ लेते हैं इन लोगों से आराम से, सबको पाकिस्तानी है, उनको उर्दू आती है, और नहीं भी पाकिस्तानी ना तब भी यहाँ पे उर्दू लोगों को आती है, अरबियों को भी आती है, अरबियों को भी उर्दू आती है, हाँ तो अरबी भी समझ जाते हैं उर्दू, आप उर्दू में बता नहीं कैसे बोलते, इंग्लिश कैसे ठीक है यहाँ पे, कोई मैं इंग्लिश में शुरू में पूछी थी, इंग्लिश कोई नहीं समझता यहाँ पे, आपने उर्दू बोली। जी जी ना होना चाहिए जी, बिल्कुल आप भाई तो जा सकते हैं अंदर, कहीं से भी जा सकते हैं। जानते हो मतलब एक बड़ी अच्छी बात हम आपको बताते हैं कि सर मोटिवेशन आइडिया था, लगता है आपको कि गर्मी बहुत हो रही होगी यहाँ पे,
और इस टाइम पे नहीं आना चाहिए, जुलाई में नहीं आना चाहिए, अगस्त में नहीं आना चाहिए, ये तो बहुत गर्म टाइम होता है। तो भाई उसमें जो है आपको बताऊं कि सऊदी अरब में स्पेशली हम लोगों ने ये चीज़ नोटिस की है मक्का में कि आप जब बाहर होते हो ना आपको पसीना बहुत कम आता है, गर्मी है 40 डिग्री हो रहा है, सभी कुछ कहानियाँ कर रहे हैं बता रहे हैं। इधर के पास जो है मेरा कजन भी आया हुआ है, खाला और मामू भी आए हुए हैं, खाला मामू और उनका बेटा जो है वो आया हुआ है, और तो उसके बारे में बता रहे हैं हैदर के बारे में कि याद है हम हैदर के साथ इधर आए थे। एग्जैक्टली आपका तरह था। तो भाई गर्मी आप लोगों को मतलब 40 डिग्री भी हो रहा है लेकिन इतनी ज़्यादा इस वक्त गर्मी नहीं लगेगी आपको कि अल्लाह का करे आपको पसीने इतने छूट रहे हो, डिहाइड्रेशन का खतरा हो, वो चीज़ नहीं है। फिर भी कि अम्ब्रेला वगैरह लोग लेके फिर रहे हैं, सनग्लासेस पहनना रिकमेंडेड है क्योंकि रोशनी बहुत ज़्यादा होगी तो आँखों में लग रही है। हमारे पास अभी दो सनग्लासेस हैं तो बच्चों को दे दिए फिलहाल हमने थोड़ी देर के लिए, और शुरू में हमने पहने रहे थे, अभी बच्चों को भी दिलाने हैं हमें तो मिल जाएंगे आराम से। बट आप लोग ये याद रखिएगा कि यहाँ पे गर्मी इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे मैंने दुबई में एक्सपीरियंस की वहाँ पे बहुत दम घुटता है, ये वाली चीज़ यहाँ पे बिल्कुल नहीं। क्लॉक टावर जा रहे हैं हम इस वक्त क्योंकि क्लॉक टावर में है फूड कोर्ट, तो काफ़ी भूख लग रही है इस वक्त। हम लोगों ने कुछ नाश्ता वगैरह भी नहीं किया था नमाज से पहले, तो फिर हम यहाँ पे जाएंगे। हमने इशारी मनाई भी है, अब क्लॉक टावर हमें जाना होता है मस्जिद हराम से निकल के बाहर, तो फिर गेट नंबर 84 से हम डायरेक्टली अंदर पहुँच जाते हैं क्लॉक टावर के। आप रास्ता दिखाते ये 72 आगे 73 आगे गेट बढ़ रहे हैं तो हम उसी साइड पर जा रहे हैं। और दूसरी बात ये कि काफ़ी लोग ये भी बोलते थे कि जो है वो खो जाते हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है, मर्द औरत बहुत अलग अलग होते हैं। हाँ अलग अलग होते हैं एट द टाइम ऑफ नमाज, जब नमाज हो रही होती है तो मर्द अलग होते हैं औरतें अलग होती हैं, मगर आप अपनी बीवी को बोलें, अपनी अम्मी को बोलें, अपनी बहन को बोलें, जिसके साथ भी आप आ रहे हो महरम के साथ अपने, तो आप उनको बोलें कि भाई यहाँ पर खड़े हो जाना, हम यहाँ पर आएँगे, यहाँ वेट करना। अभी तक सना के पास जो है वो सिम वाला वो नहीं है, मैं आज दिलवाऊँगा इंशाल्लाह तो आसानी हो जाएगी। तो इतना ज़्यादा हर चीज़ में जो है वो बहुत एग्जैजरेटिंग करने की या बहुत ज़्यादा टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, हर चीज़ बहुत आसान है। या फिर आप अपने कोई वो बना लें जैसे सामने KFC क्लॉक टावर के नीचे, वहाँ पे आ जाना, जहाँ पे भी कोई एक निशानी बना लो, या फिर जो है वो बोलो भाई होटल चले जाना जहाँ पे अगर होटल करीब हो आपका। तो जब आप मस्जिद में आते हैं आपको ये चीज़ें इधर ये मिस्ट मिलती है, मिस्ट के फैन होते हैं, तो आपको गर्मी इतनी लगेगी, हवा आ रही होगी मगर फिर भी थोड़ी सी गर्मी होगी होगी, मगर आपको थोड़ा बेटर फील होगा गर्मी से ज्यादा, आपको गर्मी से थोड़ा सा सुकून मिलता है। गाइस देखो मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, यहाँ पे जो है वो काफी जगहों पे मस्जिद अल हराम के अंदर फैंस लगे हुए मिस्ट, ये जो है वो ठंडी हवा फेंकते हैं यहाँ पे, ये देखो हर जगहों पे काफी जगहों पे इन्होंने जो है वो ठंडे ठंडे फैन लगाए हुए, लोग इसके नीचे बैठे रहते हैं, अपनी नमाजें पढ़ते रहते हैं जो लोग बाहर होते हैं। और ये होटल्स की वजह से, बड़े बड़े जो होटल्स हैं इनकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे जो है ना टाइम पे जो है वो जब सूरज का ऊपर नीचे होता है टाइम, तो वह आपको यहाँ पे छाँव भी हो जाएगी, जब आपको छाँव हो जाएगी और ये ठंडी ठंडी हवा फेंक रहे होंगे तो आपको इतनी ज़्यादा गर्मी लगेगी। जैसे सना ने बताया कि यहाँ पे ह्यूमिडिटी नहीं होती, गर्मी ज़रूर होती है मगर ह्यूमिडिटी इतनी नहीं होती, तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा जो है ना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छा माहौल है। जिस टाइम पे भी आपकी जो है वो नियत हो, जब आपके पास पैसे हों, जब आपका जो है वो मौका हो, अपना जो है वो टिकट कटाओ, उम्रे का वीज़ा लो और आ जाओ, क्योंकि ज़िंदगी में बंदा जो है वो कभी कभी जो है वो मखसूस टाइम का इंतज़ार करता ही रह जाता है, वो ज़िंदगी में टाइम उसका कभी आता ही नहीं है कि मैं सर्दियों में चला जाऊँगा, मैं गर्मियों में चला जाऊँगा, फिर कोई और फटीक आ जाएगी आप उसमें रुक जाओगे, फिर कोई और जो है ना माली खर्चा आ जाएगा, फाइनेंशियल बर्डन आ जाएंगे, आप उसमें रुक जाओगे, तो वो टाइम नहीं होता। जब आपके पास टाइम हो, फ़ौरन ही आपके पास पैसे हो, नियत करो और उम्रा ज़रूर करो, उम्रे से इंशाल्लाह शुरुआत करो, कोशिश ये करें करनी चाहिए जिंदगी में हमें कि वो हज भी करें। कुछ आपको कभी कभी ऐसे भी लोग मिलेंगे जो रिएक्ट करेंगे कि अच्छा हज पे चले जाओ डायरेक्ट, लेकिन हज तो एक बहुत ही बड़ी सआदत होती है और हम सब मुसलमानों पे फर्ज है अगर हम लोग इस काबिल हैं तो उसके लिए पैसा होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि दायरा महंगा है, उससे भी मतलब उम्र से भी ट्रिपल कॉस्ट का होता है हज अर्थी, और बाकी जो है वो आपकी जो एज होती है वो भी बहुत मैटर करती है, आप कितना ज़्यादा उसको झेल सकते हो, अगर छोटे बच्चे हैं तो उनको छोड़ के आना जाना पड़ता है, अगर आपका मौका है तो ही कर पाते हो।
तो जिस चीज़ का मौका है वो करें। उम्र में छोटे बच्चों को ला सकते हैं आराम से, कोई मसला नहीं होता, मगर हज पे जो है वो छोटे बच्चों के साथ नहीं हो पाता ट्रिप। तो इंशाल्लाह हम उसके लिए अच्छे टाइम का, सही टाइम का वेट करेंगे। किसी चीज़ के लिए नहीं रोकेंगे कि मतलब हमें कोई घर बनाना है, कुछ ऐसा नहीं है, सिर्फ हम लोग जो है वो थोड़ा सही मौके का और पैसों का इंतजार करेंगे इंशाल्लाह। मगर उमरा जो है वो कैसी साधन है कि आप कम पैसों में कर सकते हो और बहुत अच्छे से कर सकते हो, तो हमने कहा कि इसको तो अवेल करो। देखो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि एंट्री इज़ फॉर मोहरिम एंड उमरा पिलग्रिम्स ओनली, मतलब आप एहराम के साथ जो है ना आपने यहाँ पे आना है, तो सिर्फ आपको एहराम के साथ जो एहराम पहना होगा उनको ही जगह देंगे, औरतों का कोई मसला नहीं है। वो जो एहराम वालों के साथ जा रही होती है उनको आराम से एंट्री मिल जाती है, मगर मर्दों को स्पेशली एहराम पहनना लाजमी है इस जगह से अंदर हरम में जाने के लिए, खाने काबा की तरफ जाने के लिए, मताफ में जाने के लिए जो उसका सहन होता है। ये क्योंकि मताफ में इस वक्त सिर्फ होते उमरे वालों को, जिन्हें भी आराम पहना हुआ अपनी उम्र कर रहे होते हैं उनको ही परमिशन है अंदर जाने की, और हमें जैसे नमाजी होते हैं हमें परमिशन नहीं है, हम लोग अपने मस्जिद के अंदर ही पहुँच सकते हैं मगर मताफ में। तो एक और बात इम्पॉर्टेंट बताना चाहता हूँ बहुत ही, जो मुझे किसी यूट्यूबर ने नहीं बताई थी, मुझे किसी ब्लॉगर ने नहीं बताई थी, जो मैंने खुद ही सीखा है यहाँ पे आके, और मेरे किसी दोस्त या रिश्तेदार ने भी नहीं बताई थी। और वो इम्पॉर्टेंट बात ये है जो आप सामने देख रहे हो, यहाँ पे वॉशरूम बने हुए WC, मतलब ये आदमियों का है, और इसी तरह जो है ना औरतों का भी। वो आप अगर देखो वहाँ पे जो है वो ग्रीन वाला वहाँ पे औरतों का बना हुआ है यहाँ वहाँ पे। तो चक्कर ये होता है कि हरम के अंदर जो लोग नए हैं, मैं उनको बता दूँ, मस्जिद हरम के अंदर यहाँ पे अंदर कोई टॉयलेट वगैरह मौजूद नहीं होता किसी भी किस्म का। आपको जब भी कोई ज़रूरत पेश आती है छोटी या बड़ी, आपको बाहर ही आना पड़ता है इन टॉयलेट्स के अंदर, या फिर जो क्लॉक टावर के अंदर टॉयलेट्स बने हुए हैं हम लोग वहाँ पे अब यूज़ करना शुरू किया, तो हम वहाँ जाते हैं, तो वहाँ पे हम जा सकते हैं, मगर सिर्फ अंदर वज़ू आप कर सकते हैं, वज़ू के अलावा आप कुछ नहीं कर सकते छोटे बड़े काम के लिए। जो भी चीज़ें होती हैं अगर आपको हाजत पेश आती है तो आपको या तो वो जो जैसे WC वो औरतों का बना हुआ है ग्रीन वाला, वहाँ पर अलग अलग तरह बने हुए हैं, अलग अलग जगहों पर बने हुए हैं, और या फिर ये मर्दों वाला जो है, मतलब ये मत समझना कि ये सिर्फ 6 नंबर यही यहाँ पर आ सकते हो, हर जगह यहाँ पे जो है वो थोड़े थोड़े जो है वो 200-300 मीटर के फासले पे जो है वो हर जगह आपको जो है टॉयलेट्स मिल जाएंगे। टॉयलेट्स जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, अगर आप बच्चों के साथ ऑब्वियसली आ रहे होते हो तो आप समझ सकते हो कि बच्चों के साथ आने में आपको होती है, क्योंकि अंदर जब हम लोग उमरा कर रहे होते हैं या फिर नमाजों के लिए जा रहे होते हैं, ऐसा एक टाइम मखसूस होता है जब जो है वो असर से मगरिब जो इशा का टाइम होता है वो बड़ा पीक टाइम होता है, उस टाइम पे वो लोग जो है काफ़ी गेट्स बंद कर देते हैं कि अगर आप बाहर गए तो फिर आप अंदर नहीं आ सकते। ये सब चीज़ें भी होती हैं फेस करनी, अगर फैमिली होती है तो सिंगल और कपल्स को इतनी मुश्किल नहीं होती जितना फैमिलीज के लिए होती है, बट मुश्किल नहीं होगी, आपको थोड़ा मुश्किल होगी मगर आप कोप कर सकते हो। हर चीज़ की एक प्रॉपर प्लानिंग करके चलो, कोशिश करो कि जो है वो जब भी आप अंदर आ रहे हो मस्जिद के अंदर जा रहे हो, वॉशरूम से फारिग हो लो, बीवी बच्चों को बोलो वॉशरूम से फारिग हो लें, वज़ू कर लें, हर वॉशरूम के साथ वज़ू खाना भी मौजूद है, वहाँ पे आप वज़ू कर सकते हो। ये बात मुझे किसी यूट्यूबर में, जो यहाँ पे भी होते सऊदीया में बहुत सारे लोग, तो उन्होंने भी शायद, मैंने नहीं देखी, पता नहीं मैं शायद गलत हुई सही हूँ, मगर मैंने नहीं देखा और काफ़ी दोस्तों रिश्तेदारों ने भी नहीं बताई, तो मैंने सोचा कि ये आपको टिप दे देता हूँ। और औरतों का सना आप बताइए आपको कि अंदर किस तरह का तरीका होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, कितना टाइम लग सकता है आपको बच्चों के साथ हो या फिर औरतें अकेली जा रही हैं। तो औरतों के WC में भी ठीक ठाक टाइम लगता है, और तकरीबन जैसे मैं एक दफ़ा दो दफ़ा गई तो हर दफ़ा तकरीबन 15-20 मिनट लगे। जो पीछे आपको ग्रीन कलर का शायद मेरे पीछे दांत निशान नज़र आ रहा हो, तो ये WC का निशान है, ये कॉमन वॉशरूम है। अगर आप चाहें तो यहाँ जा सकती हैं मगर वही वेटिंग टाइम लंबा होगा, ठीक है। तो और वज़ू खाना भी काफ़ी, मतलब वहाँ पे पानी भी बहुत होता है, तो अब आया ना ऊपर करके लेके जाना पड़ता है ताकि नापाक ना हो। मैंने उसका बड़ा एक अच्छा तोड़ निकाला, और अशर ने भी, क्योंकि हम लोग क्लॉक टावर अंदर जाते रहते हैं, क्लॉक टावर के अंदर ही मॉल है, शॉपिंग मॉल, वहाँ पे कारफोर भी मिलेगा आपको, विंड आउट करके आपको सुपरमार्केट भी मिलेगा, और बहुत सारी और भी दुकान है वहीं पे। वॉशरूम्स भी WC, यहाँ पे टॉयलेट्स नहीं बोलिएगा, टॉयलेट किसी को समझ में नहीं आएगा, बस WC वहाँ पे अंदर ही है, वो बहुत साफ सुथरे और सुकून की WC है, वहाँ पे वज़ू खाना भी बना हुआ है, तो वहाँ पे औरतें जाके आराम से वज़ू करके और अपने फारिग होके और फिर वापस मस्जिद में आ सकती हैं। आज हम लोग जाए थे मस्जिद में। वाह भाई वाह। देखो गाइज हम लोग अब जो है वो आ गए हैं KFC, जो ये सामने है मस्जिदुल हरम के सामने बिल्कुल ये KFC है, यहाँ पे आ गए हैं, और ये एक छोटी सी डील दी है हमने 32 रियाल की। अब देखेंगे खा के कि इसके अंदर, वैसे स्ट्रिप्स हैं 4,
एक फ्राइज है और एक जो है वो पेप्सी है। तो अब देखते हैं कि कैसा रहता है क्या नहीं रहता। काफ़ी जो है वो महंगे मील्स हैं यहाँ पे एज कम्पेयर टू दूसरे अगर कंट्रीज़ की बात करूँ, तो देखते हैं मील कैसा मिलता है और जायका अच्छा होता है या नहीं होता। क्यों भाई सही होगा क्योंकि KFC हर जगह सेम ही है, तो देखो हम लोग यहाँ पे जो है फूड कोर्ट के में जंग होती है कि आपको किसी तरह जो है ना वो ये टेबल और कुर्सी कहीं पे भी मिल जाए फ्री में बहुत कम होती है यहाँ पे, तो आपको दूसरे के ऊपर खड़ा होना पड़ता है कि कोई खाना खा रहा हो या कुछ हो उसके सर पे खड़े हो जाए तो ही आपको जाके वो मिलेगी। एक अल्लाह का बंदा था उसने मुझे दे दी है। व्यू देखो आप यहाँ पे जाना क्या ज़बरदस्त व्यू है, सामने हम लोग बैठे हुए यहाँ पे और ये फूड कोर्ट है, यहाँ पे अलग अलग तरह के छोटे मोटे फूड कोर्ट बने हुए हैं। खाना बहुत महंगा है, ओवरऑल लोग कहते हैं कि जो है ना मधुमक्का में खाना सस्ता होता है, होता होगा मुझे शायद पता नहीं है, मगर अब जो हम आए 2023 के अंदर हर चीज़ काफ़ी महंगी है, डबल ट्रिपल है। जो एक चाय पहले ढाई रियाल की मिल रही थी वो तीन की भी है, अब चार की भी, और अब आज हमने पाँच की भी पी है, तो हर लोग जो है वो एक एक दो दो रियाल ऊपर बढ़ रहे हैं। और खाने का भी यही सीन है, जब मेरे मामू आए थे तो वो बता रहे थे कि अभी पिछले संडे को ये थोड़ा बेहतर था, क्वांटिटी भी ज़्यादा थी, मगर अब जो है वो प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा कर दी है और क्वांटिटी भी कम कर दी है। तो फिलहाल 2023 में अब यही सीन है, मुझे नहीं पता कि जब आप लोग आप आओगे अगले आने वाले दिनों में तो कितना ज़्यादा रहेगा या कम रहेगा, मगर ये कि ज़्यादा ही रहेगा तो अपने उसी हिसाब से बजट को मतलब प्रिपेयर करके आना ताकि सरप्राइजेज आपको एक्स्ट्रा ना मिले।